நாம எங்க டூரு? ஓ லட்கி, இதர जी। ये रशीद चाचा के खेत कौन से? रशीद चाचा के खेत वो है। चल जाए सर। ये है उस कुत्ते के खेत। चल छड़ दे, चला बे गड्डी चलिए, देख लेंगे अपन ननु। चल बे बीच। चल पागल कुड़िये। माफ माफ करना चाचा, देखा नहीं। कहाँ से आ रही है? रशीद चाचा के खेत से। जूते कहाँ से मिले? रशीद इधर से ही मिले हैं चाचा, इधर खेतों से ही मिले हैं। अच्छा मैं चलती हूँ। रशीद तो ये बात है, एक घर में है दूसरी को खेत में बुलाता है। गैर बरादरी की बच्ची, कोई बात बन गई तो सब पे बात आएगी। करता हूं इसकी चाची से बात। कैसी हो दीदी? ठीक हूं। चाचा कहाँ है? तूड़ी लेने गया भैंस के लिए। ये मेहंदी कौन लाया? तेरा चाचा लगवाएगी। ये तेरे तेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? क्या हुआ? कहाँ से आ रही है तू? तो कहीं से भी नहीं। सच सच बता। बता दूं? हाँ बता ना। मैंने उसे देखा। किसे? वो कौन बता? देखा, बन गई ना पागल। कोई नहीं था, मुसाफिर था कोई मोटर कार में। पर दीदी मैंने इतना सुंदर मर्द आज तक नहीं देखा। लाट साहब था शायद। तू पागल है बे। मर्द भी कभी सुंदर होते हैं? वो तो जानवर होते हैं। मैं बदबूदार। मगर दीदी वो तो ऐसा था जैसे राम जी की सूरत, गोरा बर्फ और बालों में हजारों कुंडल। ये देखो दीदी, मेरे तो हाथ पैर ही ठंडे पड़ रहे हैं। चल पगली। इतना हसीन तो सिर्फ मेरा भाई हो सकता। और हो सकता है कि वही हो। तुझे पता है मैंने दुआ मांगी थी अल्लाह से कि एक बार मेरा भाई आ जाए, सिर्फ एक बार, आखिरी बार। दुआ से अगर कोई आ जाता तो मेरी माँ क्यों मरती? मैं तो रोज मंदिर जाके माथा टेकती थी। अच्छा वैसे पता नहीं कौन था और पूछ रहा था कि रशीद शेख का खेत कौन सा है। आज मेरी घरवाली किसकी राह देख रही है? किसी की नहीं। हाँ
इधर आ ना। पता है? तेरे हाथों में मेहंदी बड़ी सोनी लगती है। ये बताना क्या दुआ मांग रही थी? सच सच बता दो। हाँ। आज मैंने दुआ मांगी कि मेरा भाई आए और गंडासे से तेरा सर काट के ले जाए मुझे यहां से, ये दुआ की थी। मुझसे नफरत? इससे भी ज्यादा नफरत करती हूँ तुझसे। ये ले चुरी, काट दे मेरा गला। से नहीं जा सकती। सुना फातिमा, तूने मेरे जीते थी यहां से नहीं जा सकती। सजना रल के पीले पले आ खुल के जिले, पीनी है आपा पीनी है। ओए ओए शौकारा, वो तो मुझे पहले बताता। ओए उसका गाटा वड के तेरे कदमों में रख देता। नहीं, उसे मारना नहीं है, उसे ऐसी तकलीफ देनी है कि वो याद करे। ओए सोनिया, ओए मारने से भी तो वैसे बड़ी तकलीफ होती है। नहीं, मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहता जिससे आगे चल के कोई बड़ी लड़ाई। ओए तो फिर उनकी कोई कुड़ी छुड़ी चुकनी है? नहीं, अगर ऐसा किया तो मेरी दूसरी बहन मर जाएगी। ओ फिर सोनिया, मैनू आप ही दस दे करना की है। दस दस बोल दस। रामदे, कुछ पता चला? हाँ दीदी, सुखचंद है उसका नाम और वो ना डाक बंगले में ठहरे। किससे पूछा? वो चंद्री है ना, उसकी माँ कूड़ा उठाती है बंगले का, उसी ने बताया मुझे। अच्छा, मेरे को और काम करेगी क्या? सुखचंद को जाके बता के भैया। तुम खुद चलो ना। नहीं, एक बार गई थी, अब नहीं जाऊंगी। अब वो खुद आएगा। मगर वो मेरी बात का यकीन कैसे करेगा? यकीन करेगा? तू से जाके बता कि रशीद का घर कहाँ है। ठीक है, अब चल जा। किथे चला है? 10 मिनट बाद।
वो तेल का पीपा है मोटर में। वो तेल का पीपा भी है, पूरी मोटर तेल से बड़ी भी हुई है। तू किधर चल रहा है? मैं आता हूँ 10 मिनट। वो अभी यहाँ से हम सीधा जीटी रोड निकलेंगे, फिर वहाँ से कश्मीर। मैं आना 10 मिनट। 10 मिनट? तेल का पीपा, जीटी रोड। ये ले छुरी, काट दे मेरा गला, काट दे मेरा गला। जीते जी तू यहां से नहीं जा सकती। सुना फातिमा, तूने मेरे जीते जी यहां से नहीं जा सकती। पल मार के बुझा गई दीवा से अखनल गल कर गई। और पल मार के बुझा गई दीवा, पल मार के बुझा गई दीवा से अखनल सुखचंद भैया गल कर बिल्ली मेरे साल गल्ला चल भागिया से। और पल मार के बुझा गई दीवा। सुखचंद भैया, मुझे दीदी ने भेजा है। सुखचंद? हाँ, आप हो? नहीं नहीं, वो जो आपके साथ है वो कहाँ है? कौन? सुखचंद? हाँ, वो जो गोरे से हैं। कहने तुमने उनसे? मुझे उनसे मिला दें, एक संदेशा देना है उन्हें। आजा, अंदर बैठे तुझे सुख से मिल रही। आज छोड़ो मुझे, मेरे भैया नहीं हैं, दीदी के भैया हैं, फातिमा दीदी के। फातिमा दीदी के भैया सुख से? कुड़िये, वो तो चली तो नहीं होगी कहीं? हाँ, ये तो मैंने पूछा ही नहीं। चला जा, तेरे सुशन भैया अंदर ही बैठे।
ਨੂੰ ਆਗ ਲੱਗੀ। ਓ ਰਸ਼ੀਦ, ਰਸ਼ੀਦ, ਰਸ਼ੀਦ ਉੱਠ, ਰਸ਼ੀਦ ਉੱਠ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਅੰਦਰ ਸੇ। ਚਲ ਜੀ। ਵਾਹ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ये क्या कर रही है तू? ओ दरवाजा खोल। फातिमा। ओ रशीद, ओ रशीद, तेरी कणक नु आग लग गई। फातिमा, ओ फातिमा नहीं, ये ना कर। दरवाजा खोल। दरवाजा खोल, मेरी कणक में आग लग गई है। ओ मेरे खेत में आग लग गई है। दरवाजा खोल फातिमा। ओ खुदा, मेरे भैया को बचा ले। मैं वापस जाने को कभी नहीं कहूंगी तुझसे। मेरे भैया को यहाँ से निकाल दे। दरवाजा खोल। तुझे तेरे प्यारों का आवाज का मेरे भैया को बचा ले। फातिमा, मेरे खक्के चल रहे हैं। ओ फातिमा, ओए सरदार, मर के बुझा गई। ओए सरदार, तेरे अखनल गल कर गई। ओ सरदार, अपना मर के बुझा गई। सरदार चल, मैंने शेखों से बदला ले। वाहिगुरु दा खालसा, वाहिगुरु दी फतह। ओ बदला ता ओ पमी ले लिया। चल चलिए, चल 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 चल, आ जा। ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਇੱਕ ਦਾਣਾ। ਸਾਰਾ ਖੇਤ ਸੜ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪਤਰੀਏ ਕਾ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਆਗ ਤੋਂ ਸਭ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂ ਯਾਦੇ, ਸਭ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਮਿਹਨਤ। ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ ਸ਼ੇਖ ਜੀ, ਪਾ ਰਸ਼ੀਦ ਜਵਾਨ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੇ ਬਣਾ ਲੇਗਾ। ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਇਹ ਅੱਗ ਲਾਈ ਕਿਸਨੇ? ਥਾਣੇਦਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਭੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਭਾਜੀ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਨਾ। ਜਬ ਗੈਰ ਕੌਮੋ ਕੇ ਸਾਥ ਯਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ, ਉਨਕੀ ਲੜਕੀਆਂ ਖਰਾਬ ਕਰੋਗੇ, ਤੋ ਕੁਛ ਤੋ ਹੋਗਾ। ਉਹ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਤੁਮ ਦੂਸਰੇ ਗਾਓ ਸੇ ਆਏ, ਹਮਨੇ ਤੁਮਕੋ ਸਰ ਆਂਖੋ ਪਰ ਬਿਠਾਏ ਰੱਖਾ। ਯਹਾਂ ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਰਹਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਹਮ ਉਨਕੋ ਤੰਗ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਨਾ ਵੋ ਹਮਕੋ ਤੰਗ ਕਰਤੇ ਹੈ। ये हिंदू बीच में कहां से आ गए? ओ चाचा, अपने भतीजे से पूछो, वो हिंदनी राम देई इसके खेतों से निकले नई जुत्ती पहन के। क्या कह रहे ये चाचा? वो निर फातिमा की बुलानी है, इसने जूती दी थी उसे मैंने। नहीं, इसने खराब किया उसे, बदले में लोगों ने आग लगाई है यहाँ पे। और क्या बकवास कर रहा है तू? ओ रशीद, चाचा ये क्या कह रही है? छोटी है वो, बच्चियों की तरह समझता हूँ उसे मैं। वो ऐसा ही है, मेरी घरवाली बता रही थी, चंद्री ने उसको बताया। राम दई छोटी सी बच्ची। चाचा ले जाओ इसे यहाँ से। बस 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 बस, गांव में आग लग जाएगी। ओए बस, ओए चल, झूठ बोल रहा है ये। चल पुत्र, चल घर, चल तू। ओए आदे, चल शाबाश, चल। ओए काका, ओए ठीक कहते हैं वो, अब उसने कहीं भी मुंह काला किया हो तो तू कैसा अतरा है? और तू उसे यहां आने क्यों देता था? आया आया। अरे कैसे हो तुम लोग?
तुम लोगों को एक अनाथ बच्चे पे तरस नहीं आया? ना क्या हुआ? क्या हुआ? अरे तुमने इस लड़की के साथ मुंह काला किया और पूछते हो क्या हुआ? क्या बकवास कर रही है तू? रामदेई बता ऐसे क्या सच है? अरे ये क्या बताएगी, मैं बताती हूँ। अरे तेरी बीवी ने इसे बिलाया फुसलाया। अरे कौन खिलाता है किसी अनाथ को घी शक्कर, और तूने इसके साथ मुंह काला किया। शामिल हो तुम मियां बीवी दोनों। चुप हो जा। नहीं नहीं, मैंने तो हमेशा रामदाई को अपनी बहन की तरह समझा। और हम तो पहले से गरीब लोग हैं, और ये अनाथ बच्ची हम बर्बाद हो गए। हमें कोई इंसाफ दो, हमारे साथ कोई इंसाफ करो। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अबे चुप। हाँ अभिषेक रशीद, इस लड़की को तूने खराब किया है? और कुरान ले आओ। कुरान पे हाथ रख के कसम खाने के लिए तैयार हूं, मैंने इस लड़की के साथ कोई बुरा नहीं किया। तू बता काकी रामदाई। और ये क्या बताएगी? और ये तो बाल लड़ी है, डरी हुई है। और तुम अपने लोगों से क्यों नहीं पूछते? कल ये मुझसे कह रहा था कि रशीद तेरी लड़की को खराब करेगा। हाँ भाई बोल। वो जी वो तो मैंने वैसे ही कहा था, मुझे क्या पता रशीद ने इसके साथ कुछ किया है कि नहीं किया, मुझे क्या पता। और ये जो हमारी कनक जली है वो? और ठहर जा शेखा, बात कूड़ी की है इस वक्त। अगर शेख रशीद ने लड़की के साथ खराबी नहीं की तो इसकी कणक को आग किसने लगाई, और अगर की भी तो इन दोनों के अलग अलग गुनाह हैं, और कुछ भी अलग अलग होगी। हम इनसे बदला लेंगे और हिंदुओं की सारी फसलें तबाह कर देंगे। और रुक जाओ, रुक जाओ। ठीक है, मुजरिम हूं मैं, दंड भरने के लिए तैयार हूं मैं। बोलो सरपंच जी, कितना दंड भरना है? ओए पागल, ये क्या कह रहा है तू? ठीक कह रहा हूँ चाचा मैं, अगर मेरे माल लेने से लड़ाई रुकती है तो मैं दंड भरता हूँ। लड़ो मत। बस तू गांव छोड़ के चला जा, अभी अभी यही दंड है। हाय हाय, और ये पहले ही अनाथ गले पड़ी हुई थी, अब इसकी इज्जत लूटने के बाद कौन इसे विवाह करेगा? हाय, ओह कोई दान जहेज मिल जाता तो इस पाप की गठड़ी को और ले जाता कोई। हाय हाय, बस बस, ये ले अपना हरजाना। शेख सज्जाद, मैंने तेरा हरजाना भर दिया है, मुझे ये पैसे वापस दे देना। तुम लोग जाओ, और तुम लोग भी ये गांव छोड़ के जाओ। शाबाश, जाओ। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? निकलो यहां से, आप ही जाओ। चलो भाई, चलो चलो, गल मुक गई है, चलो। आए न्योली नी, सारे वाल ही पुट छड़ने नी। कब पुट रही हूं बेबे? दो दिन में दिमाग ठीक हो जाएगा, वापस आ जाएगी। अगर काम करना पड़ा ना वहां पे तो, पर अगर ना आई तो हैं? दुआ कर बेबे, चाचा बड़े गुस्से में निकला सवेरे, अल्लाह खैर करे। बेबे आ गए, आ गए। मैं नाम मुरादा कौन आ गए? रशीद और पापू आ गए। लो आ गई पूतनी, पांच फुला रहनी।
बेबे चाचा पानी लाऊं? ले यार, डूब मरने के लिए। हाय पास जाद, तू क्यों कह रही इसलिए डूब के मरे? न डूब के मरे वो बगैरत है जिन्होंने अपनी जवान ती नहीं रखी। बगैरत ना हो तो वो ना मरे जिसने गैर कौम की लड़की पर बदमाशी दिखाई। अच्छे और तू जानता है मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है मैंने। लड़की भगाई, बदला लिया, सर ऊंचा हुआ था, निकाह किया, सर और ऊंचा हुआ। रब पास जाद, मेरा वीर हुआ क्या बता तो सही, और कुछ तो बोल। इसने एक यतीम हिंदनी लड़की को गंदा किया है। उन लोगों ने इसके खेतों को आग लगा दी। गांव वालों ने हमसे कहा कि निकलो गांव से, नाले नाले चुरवा मैंने भरवाया। एक बात तो बता। हाँ, पूछ। तुझे ताया मजीद अभी भी याद आता है? मजीद पराता मेरा, ताकत था मेरी, याद क्यों ना आए? चाचा बेबे बताती है कि अगर हमारा शौकारों के साथ झगड़ा ना होता तो ताया मजीद कभी ना मरता। मत कर ऐसी बातें, मेरे जख्म आज भी आ रहे हैं। चाचा अब वारशीद ने बदला ले तो लिया उनकी कुड़ी उठाकर, अब तो तुझे ठंड पड़ जानी चाहिए। तो है ये जो जुल्म होता है ना, ये दमो ही सब की तरह होता है और साला के डंग मारता है, इसका जख्म कभी नहीं भरता। मुझे लगता है कि ये दुख लेकर ही कब्र में उतरना पड़ेगा मुझे। ओ चाचा, मस्जिद के मौलवी जी कहते हैं माफ करना अच्छी बात है, अल्लाह को पसंद है। अदले का बदला और पूरा पूरा इंसाफ भी उस ऊपर वाले का हुक्म है। पर चाचा, अरे चुप कर, ये सब कुछ मुझे पता है पर मेरा दिल नहीं पड़ता। मेरा दिल करता है कि इनके साथ इससे भी ज्यादा कुछ होना चाहिए। रशीद बता मुझे हुआ क्या था? बेबे मुझे किसी ने फंसाया, मैं तो सो रहा था। फंसाया? न पर तेरी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं, तुझे किसने फंसाना? और कौन होगा बेबे? वही खसमानु खाने शौकार। और तू चुप कर।
शाहूकार अब वो तो सारे जलंधर चले गए और उनका बुलुंगड़ा वो भी साथ ही चला गया। अबे भाई जो कुछ भी हुआ ना चाचा की बड़ी बेइज्जती हुई। ना ना तू तो शरीफ आदमी है बीबा पुत्र है मेरा। हिंदुओं का गांव इकट्ठा हो गया था जैसे मुसलमान मुझे चुक रहे थे तू कहे तो इनके टोटे टोटे कर दे। हाँ तो सही है ना। नहीं बेबे ये खून का रंग बड़ा चौका होता है पर आज यहाँ से कुलाड़ियाँ उठती ना कल वहाँ से बंदा से निकलते निकल आते तो निकल आते तू क्यों फिक्र करता है और तेरी भी तो फसल जलाई है। बेबे फसल तो 6 महीने में उगाती है और जिस माँ का गबू जवान मरता है ना वो उन्हें 20-20 साल पाल कर बड़ा करती है। हाँ परशीद जी बातें करता तू। चाचा नाराज हो रहा कि मैंने हिंदुओं की पंचायत में जाके डंड क्यों भरे लड़ा क्यों नहीं मैं। आहो तो सही कहता ना चाचा क्यों नहीं लड़ा और लड़ना चाहिए था उनको पता लगता तेरा कुछ नहीं हो सकता मुंडिया। नहीं लड़ा तेल नहीं करता। चट बेबे गुस्सा ना कर तू और चल जा छोड़। अपना गंदा सा नहीं उठा सकता दिल नहीं करता। रशीद तू मुझसे नाराज है? क्यों नाराज होऊंगा? जो मेरे दिल में आया मैंने किया जो तूने चाहा तूने किया नाराजगी किस बात की? तू जानता है मैंने कुंडी क्यों लगाई थी? तुम नहीं चाहती कि मुझे कोई नुकसान पहुंचाए? नहीं मैं नहीं चाहती थी कि तू आग लगाने वाले को नुकसान पहुंचाए। तुम जानती नहीं किसने आग लगाई है? वो सुखचंद था मेरा भाई। तू कुछ भी कह मैं जानता हूं तू मेरी जान बचाना चाहती थी इसलिए तूने कुंडी मारी थी। नहीं रशीद मुझे रामदीन ने बताया था कि एक गोरा चिट्टा लड़का मोटर कार पे आया था और पूछ रहा था कि रशीद के खेत कौन से हैं। वो मेरा भाई था। तो गई क्यों नहीं उसके पास? एक दफा गई थी अब वो आता तो जाती। चाचा लस्सी लाई हूं।